हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस डीआईवाई वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कैसे आप मेन जीन्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने मेन्स का ओल्ड जीन्स लिया है, जिसके नीचे के हिस्से को मैं कट कर रही हूँ। हमें इसे ऑल ओवर कट कर देना है। हमें सिंपली इसे सीजर के हेल्प से रैंडमली कट कर देंगे। जब ये ऑल ओवर कट हो जाएगी तब हमें कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा। हमें सिलते समय 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है ताकि हम इलास्टिक डाल सकें इजीली। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों साइड का स्टिचिंग दे दिया है और यहाँ पे मैंने ऊपर का फोल्ड करते समय 1 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है ताकि मैं इलास्टिक डालने में मुझे आसानी हो। यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन के हेल्प से इलास्टिक डाल रही हूँ। इलास्टिक डालने के बाद हमें दोनों जो एंड्स है इलास्टिक का उसे अच्छे से सिक्योर कर लेना होगा और जो हमने वन इंच का फैब्रिक लेफ्ट कर दिया था उसे भी हम सिल देंगे। ये मैंने सिल दिया है। यहाँ पे मैं कुछ बटन्स ऐड कर रही हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंज लग रहे थे। मैं कुछ गैप्स की दूरी पर इस बटन को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सारे बटन को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना बटन सुई और धागे की मदद से अटैच कर लूँगी। सो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर लिया है और मेरा स्कर्ट ऑल ओवर रेडी हो चुका है और कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे किसी भी टी शर्ट पे आराम से कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।